हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी। आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल और कॉमन सी रेसिपी, बट खाने में बहुत ही टेस्टी मुंबई की स्पेशल डिश रगड़ा पाव, जो बस बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए करते स्टार्ट। मैंने यहाँ पे सूखे मटर लिए थे, उनको रात भर मैंने भिगो के रखा है। आप चाहे तो पाँच छः छः घंटा भिगो के रख सकते हैं। मैक्सिमम पाँच छः घंटा भिगो के रखना ज़रूरी है, तभी हमारे मटर अच्छे से पक जाएंगे। मटर को मैं प्रेशर कुक करूँगी। प्रेशर कुक करने से मटर हमारे सॉफ्ट से पक जाते हैं। रगड़ा के लिए हमें मटर को अच्छे से पकाना पड़ता है, थोड़ा सा स्मैश होने देना पड़ता है। इसमें मैंने एक चम्मच हल्दी डाला है और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। सोडा मैंने मटर को जल्दी गलाने के लिए यहाँ पर डाला है। आपको अगर पसंद नहीं है तो ना डालें, ऐसे ही इसे प्रेशर कुक करें। मैंने यहाँ पे करीबन दो गिलास पानी डाले हैं। मटर की क्वांटिटी जैसे आप उसके अनुसार पानी डालें, पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे मटर ऑलरेडी भिगे हुए हैं, तो उसमें पानी ज़्यादा नहीं लगता है। तीन से चार विसल आने तक हमें इसे प्रेशर कुक करना है। चार विसल आने के बाद मैंने गैस फ्लेम बंद कर दिया था, कुकर को ऐसे ही ठंडा होने दिया था। आप देख सकते हैं मटर हमारे अच्छे से स्मैश हो गए हैं, एकदम परफेक्ट रगड़ा के लिए तैयार है मटर हमारे। तो इसे साइड में रख देते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और हमारी आगे की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पे बड़ा पतीला लिया है क्योंकि रगड़ा हमारा गाढ़ा नहीं बनता है, उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ा बर्तन लिया है। उसमें उबाल आने के लिए भी अच्छा होता है। यहाँ पे तेल हमारा गरम हो गया है, तीन से चार चम्मच मैंने यहाँ पे तेल गरम किया था। इसमें मैंने जीरा डाला है एक चम्मच और दो बड़े चम्मच धना दाना डाला है। इसमें आधा छोटा चम्मच हींग डाल देते हैं, हींग से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। इसमें एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कट के डाला है। इसे दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से फ्राई होने देते हैं। अब इसमें एक बड़ी चम्मच जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाल देते हैं, 10 से 12 कड़ी पत्ते डाल देते हैं और चार पांच हरी मिर्च डाल देते हैं बारीक कटी हुई। इसे भी अच्छे से फ्राई करते हैं दो से तीन मिनट के लिए। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, हरा धनिया से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसे थोड़ा सा तेल में फ्राई करें तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं क्योंकि हल्दी मैंने पहले ही डाली थी और दो चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। बाकी इसमें कुछ मसाले हमें डालने नहीं है। रगड़ा हमारा सादा सिंपल पीला वाला ही रगड़ा हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और जो पके हुए हमारे मटर है स्मैश वो हमें यहाँ पे डालना है। और पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, आपको जितना पतला या गाढ़ा रगड़ा चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप पानी एडजस्ट करें। हो सके तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा ही डालें क्योंकि रगड़ा हमारा जैसे जैसे ठंडा होते जाता है वो गाढ़ा होते जाता है, तो पहले पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। मैंने यहाँ पे कुकर में जो मसाला बचा था उसको मैंने यहाँ पे लिया है पानी के साथ, और बाकी आप फ्रेश वाटर डाल के भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारा रगड़ा यहाँ पे हुआ है। एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर डाला है टेस्ट के लिए और नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मिक्स करने के बाद हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से उबालने देना है। मटर तो हमारे पहले से ही पके हुए हैं तो हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस एक बॉईल आने तक इसे ढक के पकाना है। जैसे कि आपने देखा मैंने आप बहुत सारे मसाले नहीं डाले हैं, यहाँ पे लिमिटेड ही मसाले डाले हैं जो कि ज़रूरी है, उससे ही बहुत अच्छा रगड़ा हमारा टेस्टी रगड़ा बनता है। तो ऐसे ही आप रगड़ा बनाएं, सिंपल सादा रगड़ा ही अच्छा लगता है और इसे गर्मा गर्म पाव या फरसान के साथ आप सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे रगड़ा बॉईल हो गया है, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये जितना ज़्यादा हम लोग पकाएंगे ये गाढ़ा होता जाएगा, फिर से पानी डालना पड़ सकता है, तो इसे हम लोग गैस फ्लेम बंद कर देते हैं। यहाँ पे हमारा सिंपल और टेस्टी सा रगड़ा तैयार है मुंबई स्टाइल में। गैस फ्लेम बंद कर देते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप इसे अपने पसंद के अनुसार पैटिस और पाव के साथ भी खा सकते हैं या उंगली फरसान के साथ भी खा सकते हैं। ऊपर से हरा धनिया और बारीक कटा हुआ प्याज और नींबू के साथ इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी और स्वादिष्ट रगड़ा रेसिपी पसंद आई तो इस रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब मैं नेक्स्ट रेसिपी अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।